उम्मीद कर सकते हैं कि आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, यानी कि जून लास्ट तक आपको सुनने को मिल सकता है कि आपका एग्जाम कब होगा, ठीक है। तो उसके लिए निश्चिंत रहें, ठीक है, बस अपनी तैयारी को बरकरार रखें और तैयारी करते रहें बिना किसी एग्जाम कब होगा उसको छोड़ के ना, अभी से तैयारी में लग जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहिए। धीरे धीरे क्या होगा, जब आप अच्छे अपने आप को बेहतर करिए, फिर एग्जाम चाहे जब कराएं, ठीक है, आप अपनी वैकेंसी को लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल आप जून लास्ट मान के चलिए कि आपका एग्जाम जून लास्ट तक होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी कि अब हम लोग इंटरनेट वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इंटरनेट वाला टॉपिक हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज शुरू करेंगे, जिसमें आज हम लोग बेसिक इंटरनेट पे चर्चा करेंगे, फिर क्या करेंगे धीरे धीरे बेसिक से लेकर एडवांस तक, यानी कि नेटवर्किंग तक की जो क्लासेस है यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दें कि सब कुछ क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर। तो हम थोड़ा सा कमेंट देख लेते हैं आप सभी के। चलिए बहुत ही बेहतरीन। तो कोई कमेंट नहीं कर रहा है, स्क्रीन ब्लैंक है क्या, स्क्रीन ब्लैंक है, नहीं। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं इंटरनेट की क्लास और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको शुरू करेंगे। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, जो चीजें हो चुकी है, आप पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करिएगा और प्लेलिस्ट में लगभग आपके सारे टॉपिक कंप्लीट होने के हैं। बस केवल 8 टॉपिक बचे हैं जिनमें हम लोग छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे AI हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मोबाइल कंप्यूटिंग हो गया, ग्रीन कंप्यूटिंग हो गया, और क्या है ई कॉमर्स हो गया, ठीक है। तो इन सभी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। साथ साथ में आपका इंटरनेट एंड नेटवर्किंग बचा है ये टॉपिक, फिर आपका कंप्यूटर ऑपरेटर वाले जो बच्चे हैं उनका बुलियन अलजेब्रा, डेटा स्ट्रक्चर और क्या है DBMS, वो टॉपिक होंगे। तो वो तो उनका अलग ही सेक्शन है, तो उन सेक्शन को हम लोग अलग से करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी तो ये कंबाइन है SI ASI कंप्यूटर ऑपरेटर सभी के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDN। तो PDN जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो PDN का फुल फॉर्म क्या होता है बताइएगा, कोई कमेंट करके बताइएगा PDN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कह रहा है पैकेट डेटा नेटवर्क, पहला ऑप्शन है पॉकेट डेटा नेटवर्क, फिर कह रहा है पैकेट डेटा नेटवर्क है, फिर कह रहा है पैकेट डिस्चार्ज नेटवर्क है, अगला कह रहा है पॉकेट डिस्चार्ज नेटवर्क है। तो बताइएगा PDN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, पैकेट डेटा नेटवर्क होता है, क्या होता है पैकेट डेटा नेटवर्क होता है, क्या होता है पैकेट डेटा नेटवर्क होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पैकेट डेटा नेटवर्क होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेट इनिशियली स्टार्टेड एज, जो इंटरनेट है शुरुआत में कब जो शुरुआत किया गया, कब शुरुआत किया गया तो बताइएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पैकेट डेटा नेटवर्क की, आखिर होता क्या है, तो पैकेट डाटा देखिएगा एक प्रकार से इंटरनेट पे जो कुछ भी भेजते हैं, क्या भेजते हैं, जो कुछ भी हम भेजते हैं वो किसके फॉर्म में जाता है, इन फॉर्म ऑफ पैकेट के फॉर्म में जाता है। किस फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ पैकेट के रूप में जाता है, यानी कि जो डेटा होता है उसके क्या होते हैं, छोटे छोटे बंडल बनते हैं और छोटे छोटे बंडल एक स्थान से दूसरे स्थान पे इनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजे जाते हैं, जिससे क्या हो बीच में डेटा से छेड़खानी ना की जाए और वो सभी डेटा जो है एक साथ में वहां पे पहुंचकर क्या होता है मिल जाता है, और मिलने के बाद में आपकी कंप्लीट फाइल क्या होती है डाउनलोड होती है। मान लेते हैं यहाँ से आपका क्या है डेटा शेयर किया गया, यहाँ से आपको डेटा यहाँ से स्टार्ट किया गया और डेटा यहाँ से शेयर किया गया, ठीक है। तो ये कुछ मान लेते हैं डेटा है, डेटा को थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। इस डेटा को हमें क्या करना है, इंटरनेट पे भेजना है। तो ये क्या होगा, छोटे छोटे फॉर्म में इंटरनेट मान लेते हैं ये इंटरनेट है, तो यहाँ पे क्या होगा छोटे छोटे फॉर्म में क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा और इसको क्या करेगा वहां तक पहुंचाएगा। कहां तक पहुंचाएगा, ये अलग अलग माध्यम से, अलग अलग लाइनों के माध्यम से, अलग अलग नेटवर्क के माध्यम से, ठीक है, जो लाइने हैं कम्युनिकेशन के लिए, डेटा संचार के लिए, वहां से क्या होगा ये मान लेते हैं रिसीवर कंप्यूटर, फिर ये डेटा क्या होगा, ये डेटा आके सभी डेटा कलेक्ट हो जाएगा, फिर आपकी जो ये कंप्लीट फाइल थी यही कंप्लीट फाइल ये पैकेट के रूप में विभाजित होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं पैकेट स्विचिंग नेटवर्क बोलते हैं। और यहाँ पे जाके ये क्या होगी आपकी कंप्लीट फाइल प्राप्त हो जाएगी और ये क्या है टुकड़ों में जाती है, ठीक है। तो जो टुकड़ों में फाइल जाती है ताकि हैकिंग से बचाया जा सके। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये चीजें हम लोग नेटवर्किंग में और अच्छे से सीखेंगे। तो फिलहाल अभी इंटरनेट की बेसिक जानकारी यहाँ पे हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ से फाइल भेजी गई तो ये क्या है छोटे छोटे टुकड़ों में बटी है और इसी को हम क्या बोलते हैं पैकेट, क्या बोलते हैं पैकेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं पैकेट बोलते हैं। और यहाँ पे पूरा आके फिर क्या होते हैं कलेक्ट हो जाते हैं, फिर उससे क्या बन जो आपकी फाइल मूल फाइल होती है वही फाइल क्या हो जाती है आपकी बन जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस ऑफ, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इंटरनेट की शुरुआत कब की गई थी। तो इंटरनेट की शुरुआत कब की गई थी, तो बताएगा कोई इंटरनेट की शुरुआत कब की गई थी, भाई सभी लोग कमेंट करते रहिएगा। तो इंटरनेट की शुरुआत कब की गई थी, कोई कमेंट करके बताएगा।
चलिए तो बहुत ही बेहतरीन। तो इंटरनेट की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन कह रहा है कि इंटरनेट की शुरुआत करें टीसीपी आईपी एक्सपेरिमेंट, टीसीपी आईपी के प्रयोग के द्वारा, नेटवर्क फॉर डिफेंस फोर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका की जो सुरक्षा बलों के द्वारा कह रहा है। अगला कह रहा है ग्रुप ऑफ रिसर्च साइंटिस्ट बेल लैब, ठीक है, तो बेल प्रयोगशाला के जो वैज्ञानिक था उनके उनके ग्रुप के द्वारा किया गया था इंटरनेट का सर्च मतलब शुरुआत। अगला कह रहा है कंट्रीब्यूशन वाज डन बाय ऑल ऑफ द अबव इंस्ट्रक्शन, यानी कि सभी के सहयोग से क्या किया गया था, इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। तो बताइएगा यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब क्या है, अमेरिका की जो सुरक्षा बल थे, यानी कि जब उस समय शीत युद्ध चल रहा था, तो शीत युद्ध के समय की बात है, कब की बात है, शीत युद्ध के समय की बात है, जो अपने चरम पे शीत युद्ध था। तो वहां पे दिक्कत ये थी कि जो उस समय तकनीकी नहीं थी, तो जो सैनिक थे उन सैनिकों ने सोचा कि ऐसा कोई उपाय बनाया जाए जिससे क्या हो कि हम क्या करें, अपने सैनिक जो हैं उनसे क्या करें, कमांड जो कमांड कमांडर है कमांडर से क्या कर सके, कम्युनिकेशन कर सके। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक तकनीकी विकसित की, और उस तकनीक के लिए सबसे पहले क्या बनाया गया, अर्पानेट बनाया गया। क्या बनाया गया, अर्पानेट बनाया गया, जिसका नाम था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक है, नेटवर्क। तो इसके माध्यम से क्या किया गया, सबसे पहले 1900 कब किया गया था, 1969 में, यानी कि 1960 के दशक में क्या हुआ, दशक में इससे इसकी शुरुआत हुई, और कब फाइनल बन गया था, 1969 में क्या हुआ, फाइनल बन गया, ठीक है। इसका नाम क्या था, अर्पा था, क्या था, अर्पा था, ठीक है, अर्पानेट था। तो यानी कि अगर बात करें पहला नेटवर्क, पहला नेटवर्क कौन था, तो पहला नेटवर्क जो था इंटरनेट, पहला नेटवर्क जो था कौन सा, अर्पानेट था। कब बनाया गया था, 1969 में, किसके द्वारा, तो अमेरिका की जो कंपनी थी, अमेरिका जो अमेरिका की ये सिक्योरिटी एजेंसी थी, अमेरिका सुरक्षा जो बल थे, इन्होंने क्या किया था, आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है, डेटा को संचार करने के लिए, आपस में बातचीत करने के लिए क्या किया था, इसको बनाया था, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, चलिए बहुत ही बेहतरीन, आगे बताइएगा। तो क्या होगा, 1969 में कब बनाया गया था, 1969 में कौन सा सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था, अर्पानेट, किसके द्वारा, अमेरिका की रिसर्च एजेंसी ने, किस समय की बात है, शीत युद्ध के समय की बात है, तब क्या था, कम्युनिकेशन के लिए दिक्कत होती थी, तो इसके लिए क्या किया, इन लोगों ने एक प्रोजेक्ट बैठाया, और प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट बैठाया, उसके लिए फंडिंग की, और फंडिंग करने के बाद में इन्होंने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया, ठीक है, और पहला इंटरनेट नेटवर्क बना दिया, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस ऑफ टीसीपी एंड आईपी मॉडल। तो कह रहा है टीसीपी एंड आईपी मॉडल के रेफरेंस में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बताइएगा। पहला कह रहा है टीसीपी आईपी फॉलोस हॉरिजॉन्टल अप्रोच, कह रहा है टीसीपी आईपी जो है क्षैतिज दृष्टिकोण का अनुसरण करता है, बिल्कुल गलत है। अगला कह रहा है टीसीपी आईपी हैज सेवन लेयर्स, तो किसका, टीसीपी आईपी जो होती है उसको कितने सेवन लेयर्स में विभाजित किया गया है, सेवन, ये हम लोग कब पढ़ेंगे, थर्ड क्लास में पढ़ेंगे, जो आपकी इंटरनेट की इसके बाद में जो तीसरी क्लास होगी, तो वहां पे हम लेयर्स एंड नेटवर्क पे ही चर्चा करेंगे, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा आपके एक एक टॉपिक वाइज कंप्लीट होता जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उन्हीं चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे जो नेटवर्क है, आपके नेटवर्क क्या होते हैं, उनके बारे में बेसिक, यानी कि जो बुनियाद है कि इंटरनेट के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे, बाकी उनके बारे में डिटेल क्वेश्चन जो है आपकी क्लासेस जो बढ़ती जाएंगी, आपके क्वेश्चन डिटेल में आते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्विचिंग तकनीकी प्रयोग की जाती है, तो इंटरनेट में कौन सी स्विचिंग तकनीकी, यानी कि डेटा को ट्रांसफर करने के लिए जो तकनीकी यूज करते थे उसे हम क्या बोलते हैं, उस क्या बोलते हैं, स्विचिंग तकनीकी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें किस किस तरीके से स्विचिंग किया जा सकता है, जैसे आपके क्या है, टेलीफोन स्विचिंग पहले हम लोग यूज करते थे, पैकेट स्विचिंग, आज वर्तमान समय में जो इंटरनेट पे क्या है, डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो भेजा जाता है किसके माध्यम से भेजा जाता है, पैकेट स्विचिंग के माध्यम से भेजा जाता है, किसके, बहुत ही बेहतरीन, फोर का भी बहुत ही बेहतरीन। तो क्या होगा, पैकेट स्विचिंग, पैकेट क्या होता है, इंटरनेट पे जो डेटा भेजा जाता है इसे क्या करते हैं, एक मान लेते हैं डेटा एक कोई फाइल है, इसे क्या करते हैं, छोटे छोटे बंडलों में क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, और इंटरनेट पे क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, उसके बाद में जहां पे रिसीव करना होता है, जहां पे डाउनलोड करना होता है, वहां पे क्या होता है, ये पैकेट आके क्या होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, और आपकी क्या होती है, फाइल बन जाती है। तो इसी तकनीक को हम क्या बोलते हैं, पैकेट स्विचिंग बोलते हैं। टेलीफोन स्विचिंग में क्या होता था कि जब आप टेलीफोन लाइन के माध्यम से आप कनेक्शन करते थे, उसके माध्यम से जब डेटा ट्रांसफर होता था, तो उसे टेलीफोन स्विचिंग कहते थे। और क्या था, सॉकेट स्विचिंग, तो देखिएगा आप लोगों ने बहुत सारे मूवियों में देखा होगा कि जब वो लोग क्या करते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, तो कोई वहां से क्या कर देता है, वायर खींच के दूसरे वायर में लगा देता है, ठीक है, दूसरे स्विच में लगा देता है। तो वो जो तकनीकी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉकेट स्विचिंग बोलते हैं, जिससे क्या होता है, इंटरनेट जहां पे जा रहा होता है वो क्या होता है, दूसरी जगह पहुंच जाता है, ठीक है। तो वो उन सब तकनीकी से जो समस्याएं होती थी, तो उनसे बचने के लिए क्या किया गया,
ये प्रयोग किया जाने लगा। बहुत ही बेहतरीन। थ्री क्वेश्चन सही नहीं है, फिर से देखो, तीन क्वेश्चन सही नहीं है क्या? तीन क्वेश्चन कह रहा है, सात लेयर होती है आईपी टीसीपी सेवन लेयर्स, और क्या कह रहा है, ओएसआई मॉडल की तुलना में टीसीपी आईपी अधिक विश्वसनीय है, और क्या कह रहा है, टीसीपी ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाँ तो इसकी सेवन कहाँ होती है, ओएसआई की सेवन होती है ना, ठीक है, सही नहीं है, ठीक है, बहुत सही, ठीक है, तो इसमें क्या है, सही नहीं है, तो यहाँ पे टीसीपी आई की सेवन नहीं होती, फोर होती है, यहाँ पे सेवन होती ना, ओएसआई मॉडल की, ठीक है, ओएसआई मॉडल की लेयर कितनी होती है, सेवन होती है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पांच कह रहा है, इंटरनेट प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है, यह नेटवर्क के विस्तृत संग्रह के बीच में आदान प्रदान करने के लिए एक क्या है समस्या विधि को परिभाषित करता है, क्या है, मैसेज है, पैकेट है, पैकेज है, और क्या है, इंफॉर्मेशन, तो बताइएगा किसके बारे में बात कर रहा है, तो ये फिर से उसी के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में, पैकेट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हैंगआउट इज द कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म दैट कंबाइंस वीडियोस कॉलिंग वॉइस कॉलिंग एंड टेक्स्ट बेस्ड मैसेजिंग इनटू अ सिंगल सर्विस इट इज डेवलप्ड बाय, कह रहा है हैंगआउट जो संचार मंच है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑडियो कॉल कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, तो क्या होगा सही जवाब, तो हैंगआउट क्या है, हैंगआउट किसके द्वारा बनाया गया था, तो हैंगआउट जो है किसका प्रोडक्ट है बताइएगा, गूगल का है, जैसे आपके मैसेंजर होते हैं तो इसी प्रकार गूगल ने क्या बनाया था, एक मैसेंजर बनाया था जहां से आप क्या कर सकते थे, वीडियो कॉल कर सकते थे, ठीक है, मैसेज कर सकते थे, वीडियो कॉल कर सकते थे, मैसेजिंग कर सकते थे, तो ये क्या है, जैसे आप अभी क्या है व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, हाइक यूज करते थे, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, हाइक यूज कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, गूगल ने इसी तरीके का एक प्लेटफॉर्म बनाया था जिसे हम किस नाम से जानते हैं, हैंगआउट के नाम से जानते हैं, तो क्या होगा सही जवाब, इसका सही जवाब हो जाएगा गूगल हो जाएगा। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट ब्राउजर, कह रहा है निम्नलिखित में से इंटरनेट ब्राउजर नहीं है, तो कौन सा ब्राउजर नहीं, कह रहा है पांडा सफारी फायरफॉक्स और क्रोम, तो बताइएगा पांडा सफारी क्या है, इंटरनेट ब्राउजर है कि नहीं, तो सफारी क्या है, एप्पल का इंटरनेट ब्राउजर है, ठीक है, एप्पल का सफारी है, ठीक है, फायरफॉक्स तो फायरफॉक्स जो फाउंडेशन है उसका है, क्रोम किसका है, गूगल का है, क्रोम किसका है, गूगल क्रोम, और क्या है क्रोमियम, ठीक है, क्रोम और क्रोमियम किसका है, गूगल का है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर और क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर और क्या है बताइएगा, माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट एज किसके हैं, ये आपके हैं किसके, माइक्रोसॉफ्ट के, तो यहां पे क्या हुआ है, इसने माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कर दिया है, इसको जो मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर था इसको क्या कर दिया है 2015 में क्या कर दिया है, 2015 में इसे बंद कर दिया है, और इसके अपडेट देना क्या कर दिया है, जितने भी अपडेट थे अपडेट देना बंद कर दिया गया, और यहाँ पे क्या है माइक्रोसॉफ्ट एज जो है माइक्रोसॉफ्ट एज को 2015 जब विंडोज 10 यानी कि विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ, ठीक है, जो विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लॉन्च हुआ तो विंडोज 10 के साथ में क्या कर दिया गया, इसे लॉन्च किया गया माइक्रोसॉफ्ट एज, और इन्होंने कहा कि अब इंटरनेट एक्सप्लोरर को हम फाइनली क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा सही जवाब, इसका जो ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, अगला कोई ब्राउजर बताइएगा, तो यूसी हो गया, ठीक है, यूसी ब्राउजर हो गया, यूसी ब्राउजर हो गया, और कौन सा है, ओपेरा हो गया, ठीक है, ओपेरा हो गया, और कोई बताइएगा, ब्रेव ब्राउजर हो गया, ब्रेव ओनियन हो गया, ठीक है, ओनियन ब्राउजर हो गया, तो बहुत सारे ब्राउजर हैं, ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि जितने भी ब्राउजर की लिस्ट है आपको एक बार देख लेना है, तो यहाँ पे दे देगा ऑप्शन कौन कौन से ब्राउजर हैं, कौन कौन से नहीं ब्राउजर हैं, तो उनसे एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है पांडा आपका ब्राउजर नहीं, बाकी क्या है सभी ब्राउजर हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इंटरनेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो बताइएगा इंटरनेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा कथन गलत है, कह रहा है इंटरनेट में मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है जिसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, तो यहाँ पे बात कर रहा है किसकी, प्रोटोकॉल की बात कर रहा है, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, लैंग्वेज की बात कर रहा है, ठीक है, तो गलत है यहाँ पे, तो चलिए गलत पूछ रहा है, लेकिन आगे हम लोग देख लेते हैं, कह रहे पहुंच और उपयोग हेतु इंटरनेट के लिए कोई केंद्रीकृत प्रशासन नहीं है, चाहे तकनीकी कार्यान्वयन के लिए हो या फिर नीतियों के लिए। अगला कह रहा है इंटरनेट के लाखों छोटे घरेलू शैक्षणिक व्यवसायिक और सरकारी नेटवर्क है, तो इंटरनेट क्या है, छोटे छोटे नेटवर्कों का क्या है, एक विशाल जाल है, ठीक है, जो विश्व स्तर पे आता है,
ठीक है, तो ये भी कथन क्या होगा, सही होगा। कह रहा है इंटरनेट कंप्यूटर का एक संग्रह है, कंप्यूटर का क्या है, एक संग्रह है जो जानकारी को आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, तो सभी कथन सही है। तो यहाँ पे कह रहा है इंटरनेट के संबंध में गलत कथन की बात कर रहा है। तो इंटरनेट में जो मानक की बात कर रहा है, यहाँ पे प्रोटोकॉल की बात कर रहा है, तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है बताइएगा, हाइपर टेक्स्ट HTTP होता है, और क्या होता है, HTTPS होता है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर एंड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्या है, HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट ये क्या है, मार्कअप लैंग्वेज है, जिस भाषा में आपके पेज, इंटरनेट के जो आपके पेज होते हैं, वेबसाइट के पेज होते हैं, जिस भाषा में लिखे जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं, उसी HTML बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपके जितने भी पेज हैं वो किस में लिखे जाते हैं, HTML भाषा में लिखे जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे टैग होते हैं, उन टैग के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को डिजाइन करते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, दूर के स्थानों पर स्थित दो कंप्यूटर के बीच में फाइल को स्थानांतरित करने के लिए आपस में किसके द्वारा कनेक्ट करना चाहिए। तो दूर यानी कि कहीं पे दूर दो कंप्यूटर हैं, ठीक है, कहीं दूर दो कंप्यूटर हैं, उनमें आपस में जो फाइल का स्थानांतरण करना है तो क्या करेंगे हम बताइएगा, इंटरनेट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, इंटरनेट के माध्यम से हम क्या करेंगे, फाइल को हम ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, रिपीटर क्या होते हैं, रिपीटर क्या होते हैं बताइएगा, तो रिपीटर होते हैं कि जब आप इंटरनेट का क्या करते हैं, डेटा भेजते हैं, जिन लाइनों के माध्यम से क्या है, डेटा ट्रांसफर होता है, वहां पे क्या होते हैं, जब इंटरनेट के सिग्नल क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, तो सिग्नल को वीक करने के लिए मान लेते हैं यहां से यहां तक का सिग्नल आया। ठीक है, तो क्या हुआ, अब बहुत दूर तक पहुंचाना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, बीच बीच में क्या कर देते हैं, रिपीटर लगा देते हैं। इसका काम क्या होता है, ये सिग्नल को बूस्ट कर देता है, क्या कर देता है, जो सिग्नल यहां से यहां तक आने में क्या हो जाते थे, वीक हो जाते हैं, इन्हें क्या कर देता है, पुनः बूस्ट कर देता है, उसी तरीके से पहुंचा देता है। और इसी के माध्यम से क्या होता है, रिपीटर के माध्यम से क्या होता है, आपका सिग्नल जो है कमजोर नहीं होते हैं। ठीक है, तो रिपीटर अगला क्या है, हब जहां पे हम जोड़ते हैं, मॉडेम क्या करता है, जो एनालॉग मॉडेम क्या करता है, ये डेटा को क्या करता है, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए एक डिवाइस है जिसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इंटरनेट इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, फॉर्मली लॉन्च द फर्स्ट पब्लिकली अवेलेबल इंटरनेट सर्विस फॉर इंडिया इन अगस्त 1995 में औपचारिक रूप से भारत के लिए पहली सार्वजनिक उपलब्ध सेवा थी, तो कौन सी थी बताइए, किस कंपनी ने शुरुआत की थी, तो किस कंपनी ने शुरुआत की थी, बहुत ही बेहतरीन, वीक को क्या कर देता है, हाई कर देता है, तो बताइएगा कब शुरुआत किया गया था, तो अगस्त में शुरुआत किया गया था, कब, 15 अगस्त को, कब किया गया था, 15 अगस्त को किया गया था 1995 में, भारत में किसके द्वारा किया गया था, VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा क्या किया गया था, सार्वजनिक रूप से इंटरनेट की सेवा की शुरुआत की गई थी, किसके द्वारा, VSNL यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा। तो इसकी डेट भी पूछी जाती है 15 अगस्त, कब, 15 अगस्त 1995 में क्या किया गया था, सार्वजनिक रूप से शुरुआत किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सर्च इंजन, तो यहाँ पे क्या है, जितने भी सर्च इंजन की लिस्ट है आप उनको भी देख लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन, ए इज राइट। चलिए तो क्वेश्चन कह रहा है कि सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है, कह रहा है इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल है, मोजिला फायरफॉक्स है, और क्या है, ओपेरा मिनी है, तो बताइएगा ये क्या है आपका, माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, ये ब्राउजर है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर है, 2015 में इसे क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, बंद इन द सेंस इसका कोई भी अपडेट नहीं दिया जा रहा है, कोई भी अपडेट नहीं दिया जा रहा, और इसके स्थान पे क्या कर दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट एज लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, किस कब लॉन्च किया गया था, विंडोज 10 के समय में, ठीक, जब विंडोज 10 लॉन्च हुई थी उसी के साथ में इसका नाम परिवर्तन करके माइक्रोसॉफ्ट एज कर दिया गया। ठीक है, गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है, गूगल क्या है, सर्च इंजन है, अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट की सर्च इंजन की तो क्या है, बिंग है। ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स क्या है, ये भी क्या है आपका, ये भी एक ब्राउजर है, ओपेरा मिनी क्या है, ये भी एक ब्राउजर है। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट एज कर दिया गया। ठीक है, गूगल क्या है आपका, एक सर्च इंजन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्पानेट का पूर्ण रूप क्या है, तो अर्पानेट का यानी कि कब शुरुआत की गई थी, तो बताइएगा शीत युद्ध के समय में, कब, 1969 ईस्वी में, किसके द्वारा। ठीक है, अमेरिकी जो सैनिक बल थे, ठीक है, अमेरिका के सैनिक बल द्वारा। ठीक है, सैनिक बल द्वारा किसके लिए, आपस में कम्युनिकेशन के लिए, शीत युद्ध चल रहा था तो आपस में जो है डेटा संचार करने के लिए, बातचीत करने के लिए क्या किया इन लोगों ने, एक सिक्योर तकनीकी बनाई। सर 12 और 13 नंबर क्वेश्चन कहाँ है, 12 और 13 नंबर क्वेश्चन कहाँ है,
12 और 13 नंबर क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 12 और 13 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर, 11 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, ठीक है, 12 13 नहीं है, ठीक है, टाइपिंग एरर है, तो इसको आप 12 मान लीजिएगा, 13 मान लीजिएगा, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अगला, इतना नहीं ध्यान दिया जाता, ठीक है, तो वहां पे मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्पानेट का पूर्ण रूप क्या है, तो बताइएगा अर्पानेट का पूर्ण रूप क्या है। कह रहा है अमेरिकन रिसर्च प्लानिंग एजेंसी नेटवर्क, कह रहा है अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, अगला है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, या फिर एडवांस रिसर्च प्रोडक्ट प्रोजेक्ट एक्टिविटी नेटवर्क। तो क्या है अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। कब किया गया था इसे, 1969 में किया गया था, 19, और ये क्या है, पहला इंटरनेट कनेक्शन है, क्या है, पहला इंटरनेट कनेक्शन है किसके द्वारा, अमेरिकी सुरक्षा बलों के द्वारा, ठीक है। कह रहा है इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क कौन है, तो इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क कौन सा हो जाएगा, आपका अर्पानेट हो जाएगा, ठीक है, तो अर्पानेट ही क्या था, आपका पहला नेटवर्क था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेब अस्तित्व में आया कब, अमेरिका में, भारत में, स्विट्जरलैंड में, और कहां पे, जापान में। तो कहां पे आया था सबसे पहले, जो अस्तित्व में आया था कहां पे, अमेरिका में, ठीक है, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम के हैं, ठीक है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला नेटवर्क माना जाता है, तो किसे दुनिया का पहला नेटवर्क माना जाता है, अर्पानेट, किसे माना जाता है, अर्पानेट। देखिएगा एक कितना ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बस एक ही बात को घुमा फिरा के पूछ रहे हैं, अर्पानेट, बहुत ही बेहतरीन, 17 का ए, 18 का डी, बहुत ही बेहतरीन। एक ही लोग केवल मैसेज कर रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, सभी लोग करते रहिए। अगला कह रहे हैं सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था, तो सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था, अर्पानेट। देखिएगा कितनी बार सेम चीजें, वही चीजें रिपीट कर रहा है, ठीक है, सभी इसलिए क्वेश्चन डाल दिए कि अर्पानेट जो है आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिए। अगला कह रहा है आज शेयर नेटवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इनेबल ऑल इट्स एम्प्लॉय टू कम्युनिकेट विद वन अनदर इज कॉल्ड, कह रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन के भीतर एक साझा नेटवर्क जो अपनी सभी कर्मचारियों को एक दूसरे से संवाद करने में सक्षम बनाता है, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं इंटरनेट, कहते हैं एक्स्ट्रानेट, कहते हैं इंट्रानेट, कहते हैं डेलनेट, कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं हम, इंटरनेट कहते हैं। तो देखिएगा एक आपसी कम्युनिकेशन, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के भीतर एक साझा नेटवर्क जो सभी कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए सक्षम बनाता है, उसे हम कहते हैं क्या, बताइएगा। तो यहाँ पे देखिएगा एक होता है क्या, इंटरनेट, दूसरा क्या होता है बताइएगा, इंट्रानेट होता है, क्या होता है, इंट्रानेट होता है, इंट्रानेट होता है, और तीसरा क्या होता है बताइएगा, एक्स्ट्रानेट होता है, क्या होता है, एक्स्ट्रानेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन है, एक इंटरनेट है, एक इंट्रानेट है, और क्या है, एक एक्स्ट्रानेट है। तो ये क्या है बताइएगा, ये वर्ड लेवल पे, कहाँ पे है, वर्ड लेवल पे क्या है, छोटे छोटे कनेक्शन को आपका छोटा एक लाइन से लेके, ठीक है, छोटे छोटे लैन से लेके मिला के लैन मैन पैन जितने भी एरिया नेटवर्क हैं सभी को मिलाकर क्या बनता है, ये विश्व भर का नेटवर्क है, ठीक है। फिर यहाँ पे इंटरनेट क्या होता है, मान लेते हैं कि एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, और एक कंपनी में क्या है, मान लेते हैं बहुत सारी बिल्डिंग्स है, ठीक है, बहुत सारी बिल्डिंग्स है, अब इन बिल्डिंग में क्या है, बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जब डेटा क्या करेंगे आपस में उसी बिल्डिंग में, यानी कि इसी बिल्डिंग के अंतर्गत ही डेटा साझा कर सकते हैं, या फिर उसी कंपनी में क्या है आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए जब डेटा को साझा करेंगे तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। इसका बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होगा, यानी कि अगर हम बाहरी दुनिया से जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये इंटरनेट बन जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, प्राइवेट नेटवर्क होता है, इसका बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। अगर इसे हम बाहरी दुनिया से जोड़ देंगे, अगर इसे हम बाहरी दुनिया से जोड़ देंगे, बस एक मिनट जरा होल्ड करिएगा, बैटरी पावर लो हो गई, ठीक है। ठीक है, तो अगर इसे हम बाहरी दुनिया से जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये इंटरनेट बन जाएगा, ठीक है। जब तक उसी कंपनी के अंतर्गत, ठीक है, जितने भी एम्प्लॉय हैं आपस में डेटा साझा कर सकते हैं तो वो क्या रहेगा, इंट्रानेट रहेगा। एक्स्ट्रानेट क्या होगा, मान लेते हैं यही कंपनी है और एक कंपनी है और एक कंपनी क्या कर दी, और जोड़ दिया, क्या कर दिया गया, एक कंपनी को और जोड़ दिएगा। अब यहाँ पे दो कंपनियां होगी और ये दो कंपनियां क्या करेंगी, आपस में दो कंपनियां या दो से अधिक कंपनियां क्या करेंगी, आपस में ही डेटा साझा करेंगी, क्या करेंगी, आपस में ही डेटा को साझा करेंगे, तो ये क्या हो जाता है, एक्स्ट्रानेट हो जाता है। मान लेते हैं
ये क्या है, मारुति है, क्या है, मारुति है, और ये क्या है, मान लेते हैं सुजुकी है, ठीक है, सुजुकी है। तो मारुति पता है आपकी कहाँ की थी, इंडिया की है, ठीक है। अगर हम बात करें सुजुकी कहाँ की है, तो जापान की है, ठीक है, जापान की। अब इन दोनों के बीच में क्या है, अब डेटा ट्रांसफर होगा, डेटा ट्रांसफर करने के लिए ठीक है। चलिए तो यहां पे क्या कह रहा है, इंटरनेट, ठीक है, तो यहां पे क्या है, एक्स्ट्रानेट है, फिर क्या है, मारुति और सुजुकी, ठीक है। अब देखिएगा यहां पे क्या है, मारुति दो कंपनियां है, अब यहां पे देखिएगा मारुति और क्या है, सुजुकी, दोनों क्या कर रही है, आपस में डेटा को ट्रांसफर करेंगी, आपस में कम्युनिकेशन करेंगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे बताइएगा, इसे हम बोलेंगे एक्स्ट्रानेट बोलेंगे। जैसे कोई एक कंपनी है और उसी एक कंपनी के क्या है, अलग अलग पार्ट हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, जैसे जैसे कि लैन, तो यहां पे क्या हो जाएगा, जैसे कि लैन हो जाएगा, बिल्कुल सही, इंटरनेट में बिल्कुल लैन हो जाएगा। एक्स्ट्रानेट में क्या हो जाएगा, एक्सटर्नेट में जैसे मान लेते हैं कि टाटा फाउंडेशन ही है, ठीक है, तो टाटा के भी कई सारे प्रोडक्ट हैं, तो टाटा की मान लेते हैं कि अगर कार बनाने वाली कंपनी अलग है और क्या है, ट्रक बनाने वाली कंपनी अलग है, और भी बहुत सारी चीजें हैं बनाने वाली, क्या है, अलग अलग है, ठीक है, तो उनको भी क्या करना है, आपस में जोड़ना है, आपस में काम करना है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नेट बोलेंगे, ठीक है। और ये क्या है, इंटरनेट में क्या है, बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं होगा, जैसे एक बिल्डिंग के अंतर्गत हो सकता है, और क्या हो सकता है बताइएगा, ठीक है, एक बिल्डिंग के अंतर्गत हो सकता है, और जब जैसे ही इसे हम बाहरी दुनिया से जोड़ देंगे, यानी कि सभी के लिए जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, इंटरनेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटरनेट की बात कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व भर में बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ने वाला नेटवर्क कहलाता है, तो बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ने वाला नेटवर्क क्या हो जाएगा, इंटरनेट होगा, इंटरनेट होगा, एआरपी नेट होगा, नेटवर्क होगा, या फिर क्या होगा, लैन होगा, तो बताइएगा क्या होगा, इंटरनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विश्व भर में जोड़ने वाले सभी कंप्यूटर को जोड़ने वाला क्या हो जाएगा, इंटरनेट हो जाएगा। और इंटरनेट आपको बताया कि एक ही कंपनी के सभी कर्मचारी आपस में अगर बात करेंगे, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लैन, या फिर एक बिल्डिंग हो गया, एक कोई कॉलेज हो गया, कॉलेज का कोई एरिया हो गया, तो वहां पे भी जितने लोग क्या है, आपस में डेटा साझा कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनेट बोलेंगे, ठीक है। अगला है, जब बाहरी दुनिया से उसका संपर्क ना हो, ठीक है। अगला क्या है, एआरपी नेट और नेटवर्क, और क्या है, एलएन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या हो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इंटरनेट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर, कौन सी कंपनी है जिसके क्या है, लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर है, तो बताइएगा कौन सी ऐसी देश है जिसके जहां पे क्या है, सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर है। कह रहा है चाइना है, इंडिया है, भारत है, रशिया है, तो बताइएगा कौन सा ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा यूजर है इंटरनेट यूज करने वाले, तो कौन सी है, चाइना है, कौन सी है, यहाँ पे चाइना इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट क्या है बताइएगा, कह रहा है समुद्र में मछली पकड़ने का जाल है, कह रहा है बास्केटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का नाम है, कह रहा है रेल लाइनों में रेल के डिब्बों के स्थान पे हिसाब रखने वाली पद्धति है, कंप्यूटर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचना का क्या है, तंत्र है, तो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का क्या होगा, तंत्र होगा, ठीक है। अगला क्या है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं, तो बताइएगा सूचना राजपथ किसे कहते हैं, तो क्या किसको बोलते हैं, सूचना राजपथ ईमेल को, कह रहा है सेलुलर फोन को, पेजर को, या फिर क्या है, इंटरनेट को, तो बताइएगा सूचना राजपथ किसे कहते हैं, तो यहां पे सूचना राजपथ जो है इसका सही जवाब होगा इंटरनेट, ठीक है। और आपको कहीं कहीं पे किसी किताब में आपको ईमेल भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, सूचना राजपथ किसे बोलते हैं, हम इंटरनेट को ही बोलते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि वह कंप्यूटर अवस्था जो देशों को जोड़ती है तथा विभिन्न देशों से सूचनाओं को संकलित करके सैटेलाइट के द्वारा विश्व में पहुंचाती, उसे हम क्या कहते हैं, तो बताइएगा क्या कहते हैं, अपोलो, सैट डी, इंटरनेट, या फिर क्या होगा, निकनेट, तो बताइएगा क्या कहते हैं, हम इंटरनेट कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, इंटरनेट कहते हैं, ठीक है। सैटेलाइट के माध्यम से, समुद्री समुद्र में केबल के माध्यम से, तो कनेक्शन जो है कई सारी चीजों से होता है, 25 का ए नहीं होगा, ठीक है। सूचना राजपथ जो है ईमेल को आपको दिखा होगा, बहुत सारी किताबों में ईमेल है, लेकिन बहुत सारी किताबों में दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सही जवाब जो है इंटरनेट ही होगा, ठीक है। अगला क्या है, 26 नंबर कह रहे हैं, कंप्यूटर की वह अवस्था जो देशों को जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना
तो क्या होता है, बाहरी संस्था को क्या करना है, इंटरनल पेजों को एक्सेस देना क्या कहलाता है, कोई बाहरी संस्था है तो उसे क्या करना है, इंटरनल पेजों का क्या करना है, एक्सेस देना है, तो बताइएगा। जैसे अभी बात किया गया, क्या जैसे मान लेते हैं अभी बात किया गया था मारुति एंड सुजुकी की, किसकी बात किया गया था, मारुति एंड सुजुकी की, दो क्या है अलग अलग कंपनियां हैं लेकिन इनका क्या है आपस में टाई अप है, ठीक है। तब यहाँ पे अगर केवल मारुति के एम्प्लॉई अगर डेटा यूज कर रहे होते तो क्या बन जाता है, ये इंटरनेट बन जाता, और यहाँ पे सुजुकी के जो एम्प्लॉई हैं वो क्या कर रहे हैं आपस में क्या करें, कम्युनिकेशन करने के लिए, डेटा संचार करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो ये इनके लिए क्या है इंटरनेट है, क्या है इनके लिए इंटरनेट है, और ये इनके लिए क्या है इंटरनेट है, ठीक है इंटरनेट है। अगर इन दोनों लोग आपस में क्या करेंगे, मारुति का डेटा मारुति से संपर्क कर ले और यहाँ पे क्या है इनका डेटा को एक्सेस करने लगे, तो ये क्या बन जाएगा एक्स्ट्रानेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा एक्स्ट्रानेट बन जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, एक्स्ट्रानेट इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा सही जवाब, एक्स्ट्रानेट इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बहुत ही बेहतरीन, क्वेश्चन नंबर 28 का क्या होगा, ए होगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा है वह नेटवर्क फिर 27 नंबर क्वेश्चन नहीं है, 28 नंबर क्वेश्चन नहीं है, एक मिनट टाइपिंग मिस्टेक होगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है वह नेटवर्क जिसका उपयोग जिसका प्रयोग किसी बिल्डिंग में लैन कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है, फिर वही बात है लैन कंप्यूटरों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए क्या कहलाएगा, वो भी क्या हो जाएगा इंट्रानेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंट्रानेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो भी इंट्रानेट हो जाएगा। जैसे एक बिल्डिंग के अंतर्गत जितने भी लोग हैं उसमें क्या कर रहे हैं आपस में डेटा संचार कर रहे हैं, तो क्या है लैन है, ठीक है, जब तक इसका बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका इंट्रानेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है छोटे समूह के कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए छोटे कार्यालयों और इंटरनेट कैफे में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, कह रहा है पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन, लोकल एरिया नेटवर्क लैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, और क्या है वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन। तो छोटे यानी कि कैफे की बात करें तो एक छोटे एरिया की मतलब छोटे प्लेस की बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पर्सनल यानी कि क्या हो जाएगा बताइएगा लैन हो जाएगा, क्या हो जाएगा लैन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। पर्सनल एरिया नेटवर्क जो बहुत कम दूरी में क्या किए जाते हैं नेटवर्क यूज़ किए जाते हैं, जैसे आपका ब्लूटूथ हो गया, ठीक है, स्विच आप एसी का रिमोट यूज़ करते हैं या फिर टीवी का रिमोट यूज़ करते हैं, ये क्या होते हैं पैन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। लैन के अंतर्गत क्या होते हैं एक कैफे में आप एक बिल्डिंग में, ठीक है, जितने कंप्यूटर हैं या एक घर में जितने कंप्यूटर हैं उनको जोड़ा जाए तो लैन हो जाएगा। पैन उसके बाद में क्या हो जाएगा कैन भी होता है, ठीक है, लैन के बाद में क्या होता है कैन भी होता है, कैन का क्या होता है कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है। जैसे कोई यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी में क्या है अलग अलग कैंपस है तो उनको जोड़ने के लिए क्या है कैंपस एरिया नेटवर्क होता है। फिर मेट्रोपॉलिटन पूरे शहर भर का, फिर इसे क्या करते हैं जब विश्व स्तर पर जोड़ देते हैं तो इसे क्या है देश या विश्व स्तर पर जोड़ देते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं वाइड नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा नेटवर्क क्या होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है, सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन नहीं है तो इस क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं, ठीक है, तो आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही थी, ठीक है, तो काफ़ी दिन बाद आपकी क्लास शुरू कर दी गई है, ठीक है, तो अब आपकी क्लासेस होंगी रेगुलर, ठीक है, काफ़ी दो एक महीने से करीब करीब 2-3 क्लासें हुई हैं तो अब आपकी क्लासेस शुरू होंगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। पैन मतलब ब्लूटूथ लोकल है, वाईफाई से भी आप क्या कर रहे हैं आपस में जैसे वाईफाई लोकल शेयर कर रहे हैं, जैसे आप शेयर इट यूज़ करते हैं और भी इन शेयर यूज़ करते हैं तो जैसे लोकल में डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो ये भी कम एरिया में आप ट्रांसफ़र करते हैं डेटा तो ये भी क्या होता है पैन में आता है। जैसे ब्लूटूथ हो गया रिमोट भी है ये भी तो क्या है आपका नेटवर्क है ना, तो ये सभी क्या है पैन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कैंपस में कैंपस में जैसे एक यूनिवर्सिटी है उसके कई डिपार्टमेंट हैं उनको जब जोड़ते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। अगला क्या है जैसे एक ही सिटी में कई कार्यालय हैं किसी चीज़ के कई ऑफिस हैं तो उनको भी हम कैंपस एरिया नेटवर्क में रखते हैं, ठीक है। तो कल से हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, 9 बजे से आपकी क्लास होगी, ठीक है, 9 PM से। आज हम लोगों ने बेसिक एकदम स्टार्टिंग से बहुत केवल एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे हम लोगों ने क्लास स्टार्ट की थी क्योंकि अभी
क्लास आज से स्टार्ट करना था, ठीक है। तो कल 9:15 से आपकी क्लास क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें हम लोग अब इंटरनेट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इंटरनेट के बाद में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, इंटरनेट के बाद में आपका AI बचेगा, ठीक है। AI होगा, AI के बाद में क्या बचेगा, AI के बाद में सिलेबस का जो पार्ट है SI में जो मोबाइल कंप्यूटिंग होगा, मोबाइल कंप्यूटिंग के बाद में क्या होगा, ग्रीन कंप्यूटिंग होगा, क्या होगा, ग्रीन कंप्यूटिंग। और ग्रीन कंप्यूटिंग के बाद में आपका क्या होगा, ई-कॉमर्स होगा, ई-कॉमर्स, ई-कॉमर्स के बाद में क्या होगा, इंटरनेट तो अब चल ही रहा है, ई-कॉमर्स के बाद में आपका सिलेबस क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। फिर इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर में बूलियन बचेगा, बूलियन बचेगा, और क्या बचेगा, डेटा स्ट्रक्चर बचेगा, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर के बाद में क्या बचेगा, DBMS बचेगा, ठीक है, DBMS बचेगा। बाकी जो है सारे टॉपिक आपके हो चुके हैं। एक इसके बाद में हम लोग मिक्स सीरीज स्टार्ट करेंगे, हार्ड क्वेश्चन लाओ सर, हार्ड क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। बस आज क्लास को हमने स्टार्ट कर दिया था क्योंकि बस इंट्रो, क्योंकि क्लास आज लेने वाले नहीं थे, ठीक है, लेकिन बस ये था कि आज आ गए हैं तो लखनऊ, तो हमने कहा कि अब क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए। बस किसी तरीके से क्वेश्चन भी बहुत जल्दी जल्दी में बन गए, ठीक है, नंबरिंग भी मिसिंग है, तो बस आपकी जो कल से क्लासेस होंगी प्रॉपर टाइम से होंगी, 9 बजे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो उसके लिए निश्चिंत रहें, तो क्वेश्चन अच्छे लेवल के होंगे, बढ़िया लेवल के होंगे, इंटरनेट बस आज बेसिक क्वेश्चन जो थे, ठीक है। तो मिलते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है डलवा दिया था, तो अब हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। 4 क्लासेस में आपको बताया है कि इंटरनेट होगा, और जो दूसरी क्लास होगी अच्छी होगी, तीसरी क्लास होगी और लेवल पे होगी, चौथी क्लास होगी और लेवल पे होगी, ठीक है। सर किसका बैच स्टार्ट हो रहा है, यही जो कंप्यूटर ऑपरेटर SI ASI का प्रैक्टिस बैच जो है, यहीं पे अभी काफ़ी दिन से नहीं चल रहा था, 1 महीने हो गया करीब करीब, तो 1 महीने से बंद है, 2-3 क्लासेस हुई थी बीच में, तो अब ये जो है कंटिन्यू होगा 9 बजे से, 9:15 बजे से, ठीक है। तो मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम 9:15 बजे से, और बेहतरीन तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।